तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या कर लिया? हमने कर लिया कॉल्स इन एरियर, सिंगल कॉल्स इन एडवांस कर लिया, अंडर सब्सक्राइब कर लिया, ओवर सब्सक्राइब कर लिया। अब हम दोनों मिक्स करेंगे। जो मेन क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं आपके सामने एक लिखने वाला हूँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा एक्स वाई जेड लिमिटेड, अभी बुक नहीं है तो इसलिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। एक्स वाई जेड लिमिटेड एक कंपनी है, इसने इशू किए हैं सपोज 10,000 शेयर, बट एप्लीकेशन रिसीव जो हुआ है वो मान लेते हैं 12,000 शेयर का। अब यहाँ पे हुआ क्या, कुछ सिचुएशन बना लेते हैं हम, अप्लाई एंड अलॉटेड। सबसे पहले अलॉटेड का मतलब क्या है कि जितना शेयर होल्डर को मिला है उसे अलॉटेड बोलेंगे। अप्लाई जितने शेयर होल्डर ने मांगा है उसे क्या बोलेंगे हम, अप्लाई बोलेंगे। मैंने कहा जिसने मांगे 1,000 शेयर उसको मिले 1,000 शेयर, जिसने मांगे 5,000 शेयर उसको मिले 4,000 शेयर। बैलेंस प्रोराटा बेसिस, एक वर्ड आ जाता है बैलेंस प्रोराटा बेसिस। तो बैलेंस पता है कैसे निकालोगे? देखो कैटेगरी नंबर 1 और कैटेगरी नंबर 2 तो है, बैलेंस कैसे निकालोगे? अप्लाई में कितने 12,000, तो इसको पूरे करो 12,000, तो 6 और 12 टोटल होना चाहिए, तो बचे 6,000, ठीक है ना। और यहाँ पे कितने बचने चाहिए, 5 हो गए, तो बचे कितने 5, तो यहाँ पे आ गया हमारा 5,000, ठीक है। कुछ ये रेशो हमने रखा है, रेशो यानी जिसने मांगे थे 1,000 उसको कितने दिए 1,000। तो ऐसा सिचुएशन होता है ना, जिसने मांगे 1,000 उसको दिए 1,000 तो बोलते हैं फुल अलॉटेड, जिसने मांगे 5,000 उसको दिए 4,000 तो ये पार्टली हो गया। तो ये पहले यहाँ तक क्वेश्चन देखते जाना। अब मेरा क्वेश्चन क्या है कि 10 रुपये का शेयर है, 10 रुपये के शेयर्स में देखा जाए ध्यान से तो कुछ पार्ट्स मैं इसके अंदर पार्ट बांट दूंगा। जैसे आपको पता है कि इंस्टॉलमेंट वाले सारे क्वेश्चन करने हैं, ज़्यादा लंबी इंस्टॉलमेंट नहीं रखते, 2 रुपये, 5 रुपये और 3 रुपये, ठीक है। इनफैक्ट मैं इस वाले क्वेश्चन में प्रीमियम भी नहीं ले रहा अभी, आप इसका टोटल भी चेक कर सकते हो। तो इसका आना चाहिए 12,000 और इसका आना चाहिए 10,000, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे एक व्यक्ति है, यहाँ पे मान लेते हैं राम है, जिसके अप्लाई किए राम, जिसने अप्लाई कर रखे हैं, अप्लाई का मतलब मांगे हैं 600 शेयर, वो फेल हो गया, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, यहीं पे एक व्यक्ति और है, मिस्टर मोहन, राम के बाद मान लेते हैं मिस्टर मोहन, जिसको अलॉटेड है मान लेते हैं कि 100 शेयर, ये भी फेल हो गया, ठीक है ना। अब मुद्दे की बात आपको पता है क्या समझना चाहिए कि राम जो फेल हुआ है ये कहाँ पे किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। मैं इसको थोड़ा सा ना चेंज कर देता हूँ ताकि सही रहे, इसको 500 कर देते हैं, ठीक है। तो जो ये मोहन है ना, मोहन यहाँ से बिलोंग करता है, ये मैं बता रहा हूँ, और सेम ऐसे क्वेश्चन भी बताएगा। और राम जो है वो इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, कैटेगरी का मतलब इससे, ठीक है ना। क्वेश्चन बोलेगा, मैं तो यहाँ भी वर्बली आपको समझा रहा हूँ, लेकिन डेफिनेटली आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना, आप सभी के पास एक दो दिन में जैसे बुक आ जाएगा, तो क्वेश्चन पर्टिकुलर बोलेगा। तो राम जो फेल हो गया ना, कितने शेयर देने में, 500 शेयर और इसके 100 शेयर। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, टाइम बढ़ता गया, ऐसे ही यहाँ पे एक आ गया, मान लेते हैं रवि, एक आ गया रवि जो होल्ड करता था सपोज करो 250 शेयर, ये फेल हो गया फाइनल कॉल पे, और ये बिलोंग्स करता था इस कैटेगरी से, रवि बिलोंग्स टू कैटेगरी नंबर 3, ठीक है। अब हमें करना है जर्नल एंट्री, हमें क्या करना है जर्नल एंट्री। पहले आपको क्वेश्चन समझ में आना बहुत ज़रूरी है, तो आप बताइए क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। अगर किसी को क्वेश्चन में डाउट रहता है तो फिर सॉल्यूशन आगे समझ ही नहीं आएगा। मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, हमने इशू किए कितने शेयर,
हज़ार, 10,000 और एप्लीकेशन रिसीव 12,000। जो बैलेंस है ना 2,000, मैं बोल देता हूँ उसे एडजस्ट किया गया, उसको रिफंड नहीं किया गया, उसको क्या किया गया, एडजस्ट। तो आप जिसने मांगे 1,000 उसको मिले 1,000 फुल्ली, और जिसने मांगे 5,000 उसको 4, जिसने मांगे 6 उसको 5। इस वाले कैटेगरी में से भी फेलियर कर दिया मैंने, इस वाले कैटेगरी में से भी फेलियर कर दिया, और इस वाले कैटेगरी में से भी फेलियर कर दिया। इस वाले कैटेगरी में से जो फेलियर है वो कितने शेयर था, कौन था, 100 शेयर वाला। इस वाले कैटेगरी में से जो फेलियर है 500 शेयर वाला। इस वाले कैटेगरी में से 250 शेयर वाला। यहां तक क्वेश्चन समझ में आया? जो जो फेलियर है उसका कॉल सिनेरियर करके माइनस करते जाएंगे, सिंपल सी बात है ना। तो अगर अगली एंट्री की हम बात करते हैं, स्टार्ट करें अगर एंट्री की, तो फर्स्ट एंट्री किससे करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन। बिंग वगैरह नहीं लिख रहा मैं। अब पहली एंट्री जो होगी वो 12,000 से होगी, 24,000 रुपये मेरे पास आ जाएगा। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, 12,000 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आ गया 24,000। पहली एंट्री में किसी बच्चे को डाउट है तो पूछिए, पहली एंट्री में किसी बच्चे को डाउट है तो पूछिए। सेकेंड एंट्री कैसे करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल ESC, और टू अलॉटमेंट पे एडवांस है, तो आप कॉल्स इन एडवांस लिखिए तब भी चलेगा, या अलॉटमेंट एडवांस लिखिए तब भी चलेगा। अलॉटमेंट मैं लिख देता हूँ, कॉल्स इन एडवांस रखते हैं, स्टैंडर्ड रखते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे। कॉल्स इन एडवांस, तो ये आ जाएगा 24,000। अब शेयर्स इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा याद रखना है, हम जितना इशू करते हैं उससे ज़्यादा दे ही नहीं सकते। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10,000 मल्टीप्लाई बाई 2, इसका मतलब 10,000 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 20,000। तीसरे में अगर देखा जाए 2,000 शेयर ही है, 2,000 मल्टीप्लाई बाई 2 4,000। इस एंट्री में किसी को डाउट, एक एक एंट्री में डाउट पूछता जाऊंगा और आप बताते जाना, क्योंकि आगे जब क्वेश्चन जाएगा तो फिर आप उस टाइम पे डाउट पूछोगे तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। आपसे मैं पूछता जाऊंगा, आपने बताते जाना, किसी को डाउट इस एंट्री में तो बताइए। जो बच्चे लाइव क्लास ले रहे हैं वो भी बता दें डाउट है तो, वर्चुअल क्लास वाले बता दें अगर कोई डाउट है तो। नहीं डाउट, अलॉटमेंट की बात करें, चलिए अलॉटमेंट की एंट्री हम इधर करते हैं। एंट्री होगा हमारा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। अमाउंट की यहाँ बात करें तो आपको अच्छे से पता है अमाउंट क्या लेना चाहिए हमें, हमने कितने 10,000 है, 10,000 और 5 रुपये के हिसाब से है अलॉटमेंट, तो इंटू 5, तो ये आ जाएगा हमारा 50,000। 50K बोल लो आप, चाहे 50,000 बोल लो, बात एक ही है। कोई डाउट इस वाली एंट्री में? अब अगली एंट्री की बात करते हैं। अब मैं यहाँ पे आपसे पूछूँगा, आपने बताना होगा, मैंने करा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, मेरे बैंक में पैसा आएगा, थोड़ा इधर कर लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट मेरे अकाउंट में पैसा आएगा ना, उम्मीद हमें कितने रुपये आने की है, 50,000। लेकिन यहाँ पे दो व्यक्ति फेलियर है, एक राम फेलियर है और एक मोहन फेलियर है। मोहन के पास कितने शेयर है, 100, और राम 500। ये 500 और 100 अप्लाई है, ठीक है ना, तो मुझे इन दोनों के माइनस करना चाहिए। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे करते हैं सेकेंड एंट्री, कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैं अभी दोबारा रिपीट करूंगा, टेंशन मत लो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 500 इंटू 5 2,500 रुपये और 100 इंटू 5 500 रुपये, 3,000 फेलियर दिखा देते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, 3,000 फेलियर दिखा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे मैंने वर्ड जो लगाया है ना, इसको नोटिस करिएगा, अप्लाई, इसका मतलब है आपने मांगा। अगर आपने 5,000 मांगे तो क्या आपको पूरे 5,000 मिले हैं, पहले इस बात को सोचिए। अगर आपने 5,000 मांगे हैं तो आपको पूरे 5,000 तो मिले नहीं। तो मैं सिंपल बात करूं पहले पर्सन की, अगर मैं पहले पर्सन की मैं बात करता हूं,
तो इसने अप्लाई किए हैं, अगर इसने अप्लाई किए हुए हैं सर, अप्लाई किसने किए हैं? राम ने। राम ने कितने अप्लाई किए? अप्लाई का मतलब होता है मांगना, अप्लाई का मतलब होता है मांगना, ठीक है ना। मांगने क्या क्या वर्ड हो सकता है? हो सकता है अप्लाई और हो सकता है एप्लीकेंट, दोनों का मतलब होता है उसने मांगे हैं। होल्डर और अलॉटेड, इसका मतलब होता है उसके पास है पहले से। तो इसने अप्लाई किया, मांगा, राम ने कितने शेयर मांगे? 500। तो आप मुझे बताइए ये कौन से कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है? ये बिलोंग कर रहा है सेकंड कैटेगरी। और इस कैटेगरी का हालात ऐसे हैं कि जितने आप मांगोगे उतने तो नहीं मिलेंगे, जितने आप मांगोगे उतने तो नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब आपने 500 मांगे भले हैं, लेकिन आपको जो अलॉटेड हुए होंगे यानी मिले होंगे वो कम मिले होंगे। तो इसका मतलब कैसे निकालेंगे? 500 अब मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान देना, रेशियो बनाएंगे। इसका रेशियो क्या बनेगा? अगर इसका हम रेशियो बनाएं यहाँ पे इन दोनों के बीच का, तो 5:4। अब आपको चेक करना है कि ये है क्या अप्लाई 500, तो अप्लाई का रेशियो क्या है हमारा? 5, तो डिवाइडेड बाय 5 इनटू में 4, अलॉटेड का रेशियो 4, क्योंकि जो चाहिए होता है इनटू में रखेंगे रेशियो और जो दे रखा है उसका नीचे रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ आ गया 400। इसका मतलब यहाँ सिचुएशन ऐसा अराइज हुआ कि जो राम था उसने मांगे कितने शेयर थे? 500, लेकिन उसे मिले कितने? 400। तो बट ऑब्वियस है वो 400 शेयर के पैसे देने में फेल होगा। अगर हम 500 इंटू में 5 करते हैं तो इसका मतलब राम 500 शेयर के पैसे देने में फेल हो गया, जो कि गलत हो गया, क्योंकि राम के पास तो 500 शेयर है ही नहीं। राम के पास कितने शेयर हैं? 400। तो चलिए हम इसका और भी आगे कैलकुलेशन करते हैं एक बार, और टोटल अमाउंट कितना इससे रिसीव हुआ होगा हम वो लिख लेते हैं। टोटल अमाउंट रिसीव, टोटल अमाउंट रिसीव की अगर हम बात करें तो इसने मुझे कितने पैसे दिए होंगे भाई? स्टार्टिंग में तो 500 मांगे थे, 500 गुना में 2 के हिसाब से इसने मुझे दे दिए होंगे कितने रुपए? 1000 दे दिए होंगे। अब जैसे ही 1000 दिए तो मैंने बोला भाई एप्लीकेशन पे तुम्हारे कट गए, तो एडजस्ट हो जाएंगे। एडजस्ट ऑन एप्लीकेशन सर, एडजस्ट ऑन एप्लीकेशन का मतलब कि इसने मुझे टोटल 1000 रुपये ला के दिया होगा। आप इंडिविजुअली सोचो इसने कितने ला के दिए होंगे? 1000। इसको मैंने शेयर कितने दिए? 400। तो मैंने इसके काटे कितने होंगे? 400 गुना में 2 रुपये मैंने बोले भाई कट गए, 800 रुपये। इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ तो एडवांस बच गया 200। इसका एडवांस बचा ही नहीं, बचा कितने बचे? 200। अब अगर मैं इससे कॉल करता हूँ अलॉटमेंट पे, मैं बोलता हूँ जा भाई अलॉटमेंट का पैसा लेके आ, कॉल ऑन अलॉटमेंट, तो मैं इससे कितने मंगवाऊंगा? मैं बोलूँगा तेरे पास 400 शेयर है और 5 रुपये अलॉटमेंट के, अपने घर से 2000 लिया। लेकिन राम ने क्या करा? पैसे घर से लेके आया या नहीं लेके आया? नहीं लेके आया राम, तो इसका मतलब राम फेल हो गया। तो पता है एक्चुअल राम कितने रुपए देने में फेल हुआ? एक्चुअल 1800 रुपये देने में फेल हुआ। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? 1800। एक बार और समझेंगे इसको, एक बार और समझेंगे। देखिए मैं बात कर रहा हूँ, एक 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 करके समझना सबको। पहले मैं बात कर रहा हूँ राम का, और आप सबसे पहले इस बात को समझिए, जिसने जितने मांगे उसको उतने रुपए नहीं, उतने शेयर नहीं मिले हैं, ये तो तय है। बस एक पहला कैटेगरी ऐसा है जिसने जितने मांगे उसको उतने मिल गए, बाकी सभी कैटेगरी में ज़्यादा मांगा जा रहा है और मिल कितना रहा है? कम। तो इसी को प्रोराटा बोलते हैं हम। तो ऐसे सिचुएशन में राम जो था उसने इस कैटेगरी से बिलोंग करता था वो, तो बट ऑब्वियस है कि इस कैटेगरी में जो भी व्यक्ति 5 शेयर मांगता है उसे मिलते हैं कितने हैं? 4। तो सेम ऐसे ही राम ने जब 500 मांगे होंगे, अप्लाई का मतलब क्या होता है? मांगना। जब राम ने 500 शेयर मांगे होंगे तो क्या उसे 500 शेयर के पूरे पूरे 500 शेयर इसे मिल गया होगा? हाँ या ना? नहीं मिला होगा 500 शेयर। जब इसको 500 शेयर नहीं मिला, लेकिन इसने पैसे तो पूरे 500 के हिसाब से जब मांगे होंगे तो पूरे 500 के हिसाब से, तो हमें चेक कर लेना चाहिए राम तुम्हें कितने शेयर्स के पैसे दिए थे और तुम्हें कितने शेयर मिले हैं, उसको हम एक बार कैलकुलेशन करेंगे। तो मैंने चेक किया जी, राम ने मांगे कितने? 500, और अलॉटेड हुए राम को 500, और इसका रेशियो हमने बनाया तो ये अप्लाई है, तो डिवाइडेड बाय अप्लाई का रेशियो इनटू में अलॉटेड, तो राम को मिले 400। तो पहले यहां तक में किसी को डाउट है? जो बच्चे वर्चुअल क्लासेस में, लाइव क्लासेस में देख रहे हैं वो भी बताएं कि यहां तक डाउट है, तो फिर मैं उससे अगले वाले पॉइंट पे चलूंगा। है किसी को यहां तक डाउट? एनीवन, किसी को डाउट है इस कैलकुलेशन में तो बताइए, फिर मैं आगे चलूं। डाउट है तो बताएं, फिर मैं आगे चलता हूं। नो, क्लियर? ठीक है,
तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद बात करते हैं अमाउंट का हिसाब किताब। ये जो हमने हिसाब किताब लगाया है ये सिर्फ शेयर्स का हिसाब किताब लगाया है, अब किसका लगाना है हमें? अमाउंट का। अमाउंट का हिसाब किताब लगाते हैं, राम ने मुझे 500 शेयर और मल्टीप्लाई बाय 2000 रुपए दिए होंगे मुझे, और मैंने क्या उसे 1000 रुपए का सामान दिया? नहीं, मैंने उसे 400 × 2 कितने का सामान दिया? 800। इसका मतलब राम के पैसे वापसी भी नहीं किए और मेरे पास एडवांस कितने रह गए राम के? 200 रुपए। मैंने बोला राम जाओ अलॉटमेंट के पैसे लेके आओ, तो राम से मैं अलॉटमेंट के कितने पैसे मांगूंगा? 400 × 5 यानी कितने मांगे मैंने? 2000। राम ने बोला मैं पैसे नहीं दूंगा, तो एक्चुअली में राम से 2000 मांगे गए थे लेकिन 200 तो उसके पहले के एडवांस भी थे, तो एक्चुअल में कितना देने में फेल हो गया वो? 1800। तो इसलिए जब मैं बैंक में पैसे रिसीव करने जा रहा हूं तो एक 1800 रुपए का हमारे पास पेमेंट नहीं आएगा, उसको मैंने माइनस किया है, जो कि मैंने इसका ट्रीटमेंट कर दिया है। बताइए कोई डाउट यहां तक? क्लियर है। अब दूसरे की बात कर लेते हैं, मोहन। मोहन इस कैटेगरी से करता है, और जो पहला कैटेगरी है बड़ा सीधा साधा कैटेगरी है। अगर एक शेयर मांगोगे तो आपको मिलेगा कितने? एक। चार शेयर मांगोगे तो मिलेंगे कितने? तो ऐसे ही इसने 100 शेयर मांगे होंगे तो मिले कितने होंगे? 100 शेयर। तो यहां पे ये वाली कैलकुलेशन काम ही नहीं आएगी। ये वाली कैलकुलेशन कब लगता है? जब मांगे आपने ज्यादा और आपको मिला कम, तब ये काम करता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि मांगे जितने उससे ज्यादा आपको दे दिया जाए। मांगोगे उससे कम मिलेगा या उसके बराबर मिलेगा? तो इस वाले का तो देखा जाए तो मोहन की बात कर रहे थे हम, तो मोहन ने 100 शेयर मांगे थे, तो मुझे जवाब दीजिए ये कैटेगरी इस से बिलोंग, तो आपको कितने शेयर मिले होंगे? 100 ही मिले होंगे। 100 मांगे और आपको मिले कितने होंगे? 100। तो अप्लाई जितने हुए उतने क्या है? अलॉटेड। तो इसका कोई एडवांस एडवांस का तो चक्कर नहीं होगा, तो इसका हम फेलियर निकालेंगे ना, तो माइनस कर देंगे सीधा 500। सर 500 कैसे लिख दिया आपने? 500 का मतलब है 100 × 5, पूरे 500 रुपए इसने नहीं दिए होंगे। तो पहले यहां तक आप देखिए, तो मैं आगे बढ़ूं। ये दो चीजें जो माइनस किए हर बच्चे को क्लियर होना चाहिए। अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बताइए क्या डाउट है आपका? हाँ जी, नहीं तो वो तो फिर आप रिमाइंड करके सुन सकते हो। कौन से अमाउंट की बात कर रहे हो डाउट में आप? ये इसकी बात कर रहे हो? इसके पहले आप देखो, अगर आप उस टाइम पे नहीं देख पाए, मैंने दो बार रिपीट किया है, तो एक बार मैं दोबारा बता देता हूं। अप्लाई 500 था, अलॉटेड, ये समझ में आ गया आपको? इसके बाद टोटल पैसा जो मिला होगा वो कितने मिले होंगे? 500 शेयर गुणा में 2 यानी 1000, क्योंकि इसको इसने मांगे कितने थे? 500 ना, तो इसने 500 × 2 के हिसाब से, मान लो आप शेयर होल्डर हो, आपने मांगे 500 तो आपने मुझे 1000 दिए होंगे, लेकिन मैंने आपको 400 × 2 आपको कितने शेयर का दिया मैंने? 800। तो आपके 200 रुपये मेरे पास एडवांस रह गया। अलॉटमेंट पे मैंने बोला भाई तुम्हें दिए ही मैंने 400 शेयर थे, तो 400 × 5 2000 लाओ, आपने मना कर दिया देने से, और 200 एडवांस था, तो यानी आपने एक्चुअल में देने से कितना मना किया? सिर्फ और सिर्फ 1800 रुपये। क्लियर है? इसके बाद 500 वाला क्या है? इस कैटेगरी की बात करें मोहन का, मोहन को अलॉटेड कितने थे हमारे? 500, और 500 के हिसाब से देखा जाए तो पूरे 500 मैंने माइनस कर दिया। और किसी को डाउट है, नेटवर्क अगर किसी का एरर है या इशू है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप दोबारा देख सकते हैं। यहाँ तक हर बच्चों को क्लियर है, ठीक है ना? और इनफैक्ट मैं एप्लीकेशन में डाउनलोड का भी ऑप्शन देता हूँ, जैसे कई बार नेटवर्क नहीं रहता, सारे वीडियोज़ लास्ट क्लास के अपडेट हो गए, उसे डाउनलोड करके आप इजीली बार बार रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं, अब यहाँ पे आएगा हमारा सबसे पहले अलॉटमेंट के टाइम पे एडवांस भी था, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले तो एक कॉल्स इन एडवांस, इन एडवांस है ना, कॉल्स इन एडवांस। एडवांस कितना था हमारा? 4000, तो ये भी माइनस हो जाएगा यहाँ से 4000। इसका मतलब अल्टीमेटली देखा जाए टोटल मिलने थे 50 में से जो एडवांस अलॉटमेंट तक जाना था, क्योंकि जो यहाँ एडवांस देगा कहाँ जाएगा? वो यहाँ पर जाएगा। तो जो मुझे एडवांस पैसा मिलना था वो एडवांस पैसा तो नहीं आएगा अलॉटमेंट पे, माइनस कर दिया। उसके बाद जो फेल होगा उसका भी पैसा नहीं आएगा, वो दोनों भी माइनस कर दिया मैंने। अब आगे एंट्री की बात करते हैं, तो आगे रहेगा हमारा कॉल्स इन एडवांस के बाद एक आएगा कॉल्स इन एरियर। तो अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कॉल्स इन एडवांस में कितने हैं? 4000 रुपये, और एरियर में कितने हमारे? 500 और 1800, कितने हो गए? 2300। और बाकी इसमें से अगर हम
6300 माइनस कर दें 50,000 से, तो क्या आएगा हमारे पास 40, 63 माइनस करेंगे 43, हाँ 43,700 रुपीस, ये हो गया हमारा, ये एंट्री हमारे अलॉटमेंट पे बैंक में रिसीव का। कई बार क्वेश्चन ना पूछा जाता है कि आप बैंक अलॉटमेंट पे क्या अमाउंट आएगा, अच्छा टू तो लिखा ही नहीं, टू शेयर अलॉटमेंट सर, शेयर अलॉटमेंट पे तो पूरे 50,000 आ जाएंगे। कोई डाउट यहाँ तक, एनी डाउट? देख लीजिए आप, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट जैसे भी मैच करना है कर सकते हैं, क्लियर। अगली एंट्री पे चले, अगली एंट्री किसकी है, शेयर फाइनल कॉल। अब फाइनल कॉल पे तीन तीन व्यक्ति फेल हो गए, एक ये तो फेल होगा ही, ये भी फेल होगा और ये भी फेल हो गया। तो मैं शेयर फाइनल कॉल की पहले एंट्री कॉल कर लेता हूँ, शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सर फाइनल कॉल और टू इक्विटी शेयर कैपिटल में कितने रुपए आएंगे बताइए? सर 10,000 शेयर हैं और गुना में तीन, यानी कितने हो गए? 30,000 हो गए। कितने हो गए? 30,000। पहले कोई डाउट बताइए। अब इसके बाद बैंक में पैसा लेने जाएंगे, जब बैंक में पेमेंट लेने जाएंगे हम, अकाउंट डेबिट, तो मुझे मिलने कितने चाहिए? 30,000। लेकिन जो जो फेल हो गया उसका हटाते जाओ। अब देखो ये भी फेल है कंटिन्यू, यहां पे इसके पास कितने शेयर हैं? 400। 500 दिख रहे हैं लेकिन इसको मिले कितने थे? 400। तो इसके पास कितने शेयर हैं? तो इसके 400 इंटू में तीन 1200 रुपए नहीं आएंगे। फिर क्वेश्चन रेज होता है, सर इसका आपने ऐसे नहीं किया जैसे ये कैलकुलेशन किया था, इस वाले का करो ऐसे। तो जवाब है कि जब, कब ऐसा कैलकुलेशन करना होता है हमें, जब कोई शेयर होल्डर एक्स्ट्रा पैसा दे और वहीं के लिए फेल हो जाए। तो आप ध्यान से देखो, इसने एक्स्ट्रा पैसा दिया था लेकिन दिया था किस नाम के लिए? अलॉटमेंट के लिए, और फेल भी कहाँ हो रहा है? अलॉटमेंट पे। तब ऐसा वर्किंग नोट हमें करना चाहिए। अगर इसने जहाँ के लिए पैसे ही नहीं दिया और वहाँ फेल हो गया, तो कोई एडवांस वगैरह निकालना नहीं है ना यहाँ पे। इसके बाद देखा जाए, इसकी बात करें, ये भी फेल होगा यहाँ पे कंटिन्यू, तो इसके कितने रुपये माइनस करेंगे? 300। अब ये भी फेल होगा कंटिन्यू। अब ध्यान से देखो, ये क्या है हमारा? होल्ड करता है। होल्ड करता है मतलब होल्डर है, इसको मिला है, तो इसको कितने शेयर मिले हैं? 250 शेयर मिले हैं। तो ये पैसे देने में फेल हो गया क्या? यहाँ पे इसका कोई एडवांस था? नहीं था। तो अगर ये 250 शेयर देने में फेल हो गया, तो 750 रुपये इसके पैसे हमें, इसके रुपए नहीं मिलेंगे। सर इसके लिए वर्किंग नोट करना है कि अप्लाई अलॉटेड वाला इसके लिए क्यों नहीं करा? ये तो कैटेगरी नंबर 3 से था, मैंने बताया। अगर ये होता बाई चांस, मैं मान लो क्वेश्चन में ये डालता अप्लाई, मान लेते हैं क्वेश्चन में डालता अप्लाई, अप्लाई डालता मैं इसका, सपोज करो मैंने डाल दिया अप्लाई 600, इसी को मैं मान लेता हूं 600 अप्लाई डालता, तो पता है हमें यहां वर्किंग नोट करना पड़ता। और वर्किंग नोट क्या करना पड़ता? सिर्फ मुझे इसका अलॉटेड निकालना चाहिए था। सिर्फ क्या निकालते हैं हम? क्योंकि जब हमारा एडवांस नहीं है, देखो दो तरीके हैं, अब ध्यान से सुनना, दो पॉइंट्स हैं। आपने एडवांस पैसा दिया और वहां फेल हो गए, तब तो पूरी वर्किंग नोट। उसके आगे वाले कॉल में अगर आपके एडवांस नहीं है, अगर आपका अप्लाई दे रखा है, तो बस अलॉटेड निकालिए और उससे मल्टीप्लाई करके एरियर निकालिए। लेकिन अगर आपको अलॉटेड ही दे रखा है, तब आपको कुछ निकालने की ही जरूरत नहीं है जहां आपका एडवांस नहीं है। तो सेम इस वाले क्वेश्चन में देखा जाए, तो मैंने अलॉटेड पहले से दे रखा था। होल्डर का मतलब क्या होता है? आपके पास है रवि, आपके पास पहले से ही कितने शेयर है? 250, और आप मना कर रहे हो पैसे देने से, तो अल्टीमेटली कितने रुपये नहीं दे पाएगा ये? 750। लेकिन इस वाले सिचुएशन में क्या था? राम आपके पास 500 शेयर हैं, अगर ये सेंटेंस मैं बोलता हूं तो ये क्या है? गलत है। राम आपके पास कितने शेयर हैं? 400 ही, और कुछ एडवांस भी दिया, इसलिए इसके लिए हमने क्या करा? कैलकुलेशन कर लिया। तो अब यहां पे अगर मैं कैलकुलेशन लेके चलूं, तो कितने आ जाएगा? माइनस करते हैं एक बार, 30 में से माइनस जो जो करते जाते हैं हम फटाफट से, 30,000 माइनस 1200 माइनस 300 माइनस 750, तो 27,750। और यहां पे क्या आ जाएगा? कॉल्स इन क्या आएगा बताओ? एरियर डेबिट। कितने कॉल्स इन एरियर है? 1200, 300, 750, यानी 2250। इसके बाद आ जाएगा टू शेयर फाइनल कॉल,
और ये आ जाएगा पूरे 30,000 रुपीस। कितने आ गए? पूरे 30,000 रुपीस। ये था हमारा क्वेश्चन जिसके अंदर हमने कुछ कॉल्स इन एरियर का काम किया। हाँ, अब ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है जिसका पैसा यहाँ तक भी चला जाए तो क्या करेंगे। अभी तो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं अप्लाई अलॉटेड वाला। पहले यहाँ तक देखिए, कोई डाउट? अगर यहाँ तक डाउट नहीं है तो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, आप मुझे बताना अलॉटमेंट पे कितने रुपए रिसीव होंगे। डायरेक्ट कैलकुलेशन करके बताना मुझे, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ एग्जाम्पल। अगर आपने ये बता दिया तो समझ लो आपको पक्के से समझ में आ गया। मैंने यहाँ लिखा अप्लाई और यहाँ लिखा अलॉटेड, 500 शेयर और अलॉटेड है 300 शेयर, ठीक है, और 10 रुपये का शेयर है और ये मान लेते हैं 5 रुपये, 3 रुपये और 2 रुपये, ठीक है। यहाँ पे एक व्यक्ति है 50, एक व्यक्ति है 50 और वो फेल हो गया और इसने क्या किया था पता है? अप्लाई। आप मुझे बताइए ये जो व्यक्ति है, मान लेते हैं इसका नाम भी मैं राम ही रख देता हूँ, मान लीजिए ये जो व्यक्ति है राम और ये अलॉटमेंट पे 50 शेयर इसने मांगे थे और अलॉटमेंट पे फेल हो चुका है ये, तो बताइए इसके कितने रुपए नहीं आए होंगे। आपने मुझे बताना है कि इसके कितने रुपए नहीं आए होंगे। अलॉटमेंट पे इसका एरियर क्या होगा ये बताइए, नंबर वन क्वेश्चन। नंबर टू क्वेश्चन बताइए, बैंक में अलॉटमेंट के टाइम पे कितने रुपए आएंगे। ये दो क्वेश्चन का अगर आप जवाब देते हैं तो समझो समझ में आ रहा है, नहीं तो फिर कुछ दिक्कत है आपको। जवाब दीजिए इस दो क्वेश्चन का, एरियर कितना है? एक जवाब आया 10 और बाकी बच्चे भी कैलकुलेट कर ले फटाफट से, फिर देखते हैं। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ प्रॉपर। देखिए थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन क्या करा, चेंज कर दिया। मैंने यहाँ 500 रखा था, इसको 400 कर दिया। अब जिन बच्चों का आंसर आ गया वो चेक कर लें, वेरीफाई भी कर लें। पहली बात, हमें अलॉटमेंट पे टोटल पैसे पता है कितने मांगने चाहिए, क्योंकि 400 शेयर है तो अलॉटमेंट पे मुझे मिलने चाहिए 400 गुणा में 3। मैं यहाँ कर रहा हूँ 400 गुणा में 3 मुझे मिलना चाहिए, यानी मुझे मिलना चाहिए 1200। क्लियर? अब जी यहाँ पे फेलियर हो गया, जिसके पास कितने शेयर है? 50। तो हम देखें तो ये जो हमें नहीं देगा पैसे तो उसका एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ कर देते हैं स्मॉल कैलकुलेशन। तो इसने अप्लाई कितने किए थे? अप्लाई किए थे 50, तो हमें निकालना पड़ेगा इसका अलॉटेड। तो अलॉटेड कैसे निकालेंगे? 50 रेशो चेक करो, ये अप्लाई है ना, रेशो क्या बन रहा है हमारा? 5:4, तो डिवाइडेड बाई 4 × 5, तो कितने आ गए? अच्छा हाँ हाँ, 4/5 तो कितने बन गए? 40। इसका मतलब क्वेश्चन से ये पता चलता है कि जी इसने मांगे कितने थे? 50 और इसे मिले कितने? 40। तो इसका हिसाब किताब पैसे का अगर हम लगाते हैं यहाँ पे, तो पैसे का हिसाब किताब देखो, टोटल पैसा इतने कितने दिए होंगे? टोटल इसने दिए होंगे 50 गुणा में 5, इसने ऐसे दे दिए होंगे 250। आप सोचिए 50 × 5 250 दे दिए होंगे, इसके कटे कितने होंगे? 40 गुणा में 5 कट गए होंगे 200, तो एडवांस कितने रह गए इसके? 50 एडवांस रह गए इसके। अब देखा जाए तो इसके फेलियर का चेक करते हैं, तो इससे हम मांगेंगे, बोलेंगे भाई जाओ घर से 40 × 5 120 लेके आओ, लेकिन इसने एडवांस दे रखे हैं 50, तो इसका मतलब इसका 70 फेलियर होगा और बैंक में कितना पेमेंट आ जाएगा? बैंक में जो पेमेंट आएगा 70 रुपये माइनस होके आएगा और एक एडवांस का पैसा भी माइनस हो जाएगा, यानी 100 × 5 500। पहले आप तो ये वाले फोकस करिए, इस पर ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो फिर दिक्कत है। या आप एक काम करिए, फटाफट नोट करिए, ऐसे छोटे छोटे और भी क्वेश्चन दूंगा मैं, आप नोट करिए, ऐसे छोटे छोटे और भी क्वेश्चन देता हूँ।